स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में 80 के दशक की फेमस एक्ट्रेस माधवी जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज़ में रही हैं स्वर्ग और एक दूजे के लिए, और इसके अलावा गिरफ्तार मूवी इनकी टॉप मूवीज में। इनका रियल नेम कनिका विजयलक्ष्मी है और इनका जन्म 14 सितंबर 1962 को हुआ। इनके पिता का नाम गोविंदा स्वामी, इनकी माता जी का नाम सचरेखा स्वामी है। इनकी शादी रालपा शर्मा के साथ 1986 में हुई थी। इनकी सबसे पहली मूवी 1981 में आई थी एक दूजे के लिए। इसमें कमल हासन, रति अग्निहोत्री, माधी लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी ने 10 करोड़ की कमाई की। अगली 1983 में आई थी अंधा कानून। इस मूवी में माधवी जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली 1984 में आई थी मुझे शक्ति दो। इसमें माधवी, विनोद मेहरा, सुरेश ओबराय, शक्ति कपूर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1985 में आई थी मिसाल। इसमें माधवी, विजेता पंडित, नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख मिर्जा थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी गिरफ्तार। इसमें अमिताभ बच्चन, माधवी, कमल हासन, रजनीकांत, पूनम ढिल्लो लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी 1987 में आई थी लोहा। इसमें धर्मेंद्र, माधवी, मंदाकिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, करण कपूर थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1987 में आई थी कलयुग और रामायण। इसमें मनोज कुमार, माधवी, राजीव गोस्वामी, प्रेम चोपड़ा थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1987 में आई थी सत्यमेव जयते। इसमें विनोद खन्ना, माधवी, मीनाक्षी शेषाद्री, अनिता राज, विनोद मेहरा, शक्ति कपूर थी। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी इंसाफ कौन करेगा। इसमें धर्मेंद्र, माधवी, रजनीकांत, जयाप्रदा थी। ये मूवी हिट रही। इस मूवी ने 5 करोड़ 80 लाख की कमाई की। अगली 1988 में आई थी प्यार का मंदिर। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, राजकिरण, शोभा आनंद, कादर खान थे। ये मूवी सुपर हिट रही। इस मूवी ने 5 करोड़ 70 लाख की कमाई की। अगली 1988 में आई थी मर मिटेंगे। इसमें जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, भानुप्रिया थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1988 में आई थी फलक। इसमें जैकी श्रॉफ, माधवी, राखी गुलजार, साधना सिंह थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली 1989 में आई थी प्यारा घर। इसमें राज बब्बर, माधवी, जयाप्रदा, अरुणा ईरानी लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1989 में आई थी जायदाद। इसमें राज बब्बर, माधवी, शक्ति कपूर, शशि कपूर, अनुपम खेर थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1989 में आई थी लश्कर। इसमें देवानंद, आदित्य पंचोली, सोनम, माधवी, जावेद जाफरी, हेमंत बिरजे थे। ये मूवी हिट रही। इस मूवी ने 4 करोड़ 15 लाख की कमाई की। अगली 1989 में आई थी जख्म। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, माधवी, चंकी पांडे, नीलम कोठारी थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1989 में नफरत की आंधी। इसमें धर्मेंद्र, माधवी, जितेंद्र, अनिता राज लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1990 में आई थी शेषनाग। इसमें जितेंद्र, ऋषि कपूर, माधवी, रेखा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1990 में आई थी हार जीत। इसमें माधवी, फरानाज, कबीर बेदी, कमलजीत सिंह थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1990 में स्वर्ग। इसमें राजेश खन्ना, माधवी, गोविंदा, जूही चावला, अनुपम खेर लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस मूवी ने 5 करोड़ 60 लाख की कमाई की। अगली 1990 में आई थी अग्निपथ। इसमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठारी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। इस मूवी ने 10 करोड़ की कमाई की। अगली 1990 में आई थी अग्निकाल। इसमें माधवी, राज बब्बर, जितेंद्र, आसिफ शेख, सोनू मालिया थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में कानून की जंजीर। इसमें धर्मेंद्र, जयाप्रदा, माधवी, राज बब्बर लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1992 में सरफिरा। इसमें संजय दत्त, माधवी, विनोद मेहरा, सुमित सहगल, किमी काटकर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में लंबू दादा। इसमें माधवी, कबीर बेदी, परेश रावल लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिगर। इसमें अजय देवगन, करिश्मा कपूर, माधवी, अजीत लीड कास्ट में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस मूवी ने 9 करोड़ की कमाई की। अगली 1994-94 में आई थी खुदाई। इसमें माधवी, दीपिका चिखलिया, राजेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, अरुण बख्शी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली ये इनका फिल्मी करियर था। अगर इनका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करें तो इसमें ब्लॉकबस्टर की एक मूवी रही, सुपर हिट दो रही, हिट मूवी 6 रही, सेमी हिट कोई नहीं रही, एवरेज 1 रही, एवरेज 3 मूवी रही, ब्लो एवरेज कोई नहीं रही, फ्लॉप 12 मूवी रही, डिजास्टर 2 मूवी रही, टोटल मूवी इनकी 27 रही। इनका सक्सेस रेशियो 48.2
15% रहा जो कि ठीक ठाक ही रहा। तो ये माधवी जी का फिल्मी बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनमें आपकी कौन सी मूवी फेवरेट मूवी रही और कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस एक्टर या एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस देखना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर